मगर आपके अंदर उस चीज को पाने का लक्ष्य नहीं है, हाँ, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर लक्ष्य है कि परमेश्वर सच्चा है, अगर उसने ऐसे अपने वचन में कहा है तू मुझे चंगा करेगा, करेगा क्या करेगा, मुझे इस बीमारी से छुटकारा देगा, मेरे अंगों को वो सही करेगा करेगा, हाँ, मुझे आंख से वो मुझे नजर नहीं आता, वो जैसे अंधों के अंदर चाह थी ना, वो पीछे पीछे गए, हाँ, ऐसे नहीं उन्हें कहा पता नहीं प्रभु तो सुन नहीं रहा, रुक नहीं रहा, हमारी बात सुन नहीं रहा, ये तो पता नहीं कितने किलोमीटर वो चला गया होगा, पर वो पीछे पीछे गए क्योंकि उनके अंदर लक्ष्य थे, आज हमने अपनी चंगाई को पाना ही पाना। अगर हमारे अंदर लक्ष्य नहीं है, हाँ, तो कैसे होगा, हाँ, अगर आपके अंदर लक्ष्य है, हाँ, परमेश्वर सच्चा है, अगर उसने कोड़ों की मार खाई है मुझे छुटकारा देने के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरी शिफा के लिए, तो मेरे लिए करेगा, क्या करेगा, फिर आप धन्यवाद करोगे, अपने हाथों को उठाओगे स्वर्ग के परमेश्वर के, क्या करोगे, हाँ परमेश्वर तू सच्चा है, अगर तूने ऐसा किया कहा है तो तू निश्चय मेरे लिए करेगा, क्या करेगा, निश्चय तू मेरे लिए करेगा, वो हर चीज के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर किसी का पति नशा करता या कुछ ऐसे झगड़ा या कुछ और करेगा तो वो उस चीज के लिए रोज रोज धन्यवाद, हाँ, क्या करेंगे, रोज रोज धन्यवाद करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर सच्चा और उस चीज को क्या करेगा, पूरा करेगा। अगर विश्वास ही नहीं है, पता ही नहीं है, हाँ करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बोलो, जैसे कुछ दिन बादल बादल रहे ना, सूरज नहीं कई दिन निकला, हाँ, तो किसी ने भी ऐसे सोचा मन में, सूरज अलोप हो गया, अब नहीं वो आएगा, क्योंकि सबको विश्वास है अभी बादल है, जब हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, तुम ऐसी परमेश्वर की बनाई हुई चीजों की रंग रूप रेखा सब कर लेते हो, मगर उसका विश्वास नहीं करते कि वो करेगा कि नहीं, हाँ, जैसे बादल आ जाते हैं, मौसम बदलते हैं, अब पतझड़ है, अब सब विश्वास करते हैं ना पतझड़ में क्या होता है, क्योंकि उसकी, यीशु ने कहा उसकी बनाई हुई चीजों को, उसकी रंग रूप रेखा, उन चीजों का तुम विश्वास करते हो, मगर उसका विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते, तुम उसका विश्वास नहीं करते कि वो कर सकते है कि नहीं कर सकते, बोलो, वो कर सकता कि नहीं कर सकता, हाँ सबको विश्वास था, हाँ बादल है, किसी ने ऐसा नहीं सोचा पता नहीं अब सूरज आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, पर सबने विश्वास किया ना, नहीं सबने विश्वास मतलब, क्योंकि सबको ऐसे पता है कि हाँ कुदरत का ये नियम है, बादल है तो कोई बात नहीं, अगर हफ्ता रहेंगे 10 दिन हट जाएंगे फिर वो आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा ऐसे अपने मन में पता नहीं अब आएगा कि नहीं, क्योंकि वो बनाई हुई कुदरत के नियमों को वो जानते हैं, जैसे यीशु ने कहा तुम उसकी बनाई हुई चीजों का रंग रूप रेखा करते हो मगर उसका विश्वास नहीं करते, हाँ अब मौसम लाल है, अब ऐसा होगा, अब आंधी आएगी, हाँ अब ऐसा होगा, समझ आ रही है, मगर उसका विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते, उसका विश्वास नहीं करते जिसने अपने पुत्र का बलिदान दिया आपको जीवन देने के लिए, कितने लोग विश्वास करते हैं, हाँ कितने लोग विश्वास करते हैं, तो मेरे लिए सब कुछ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर जो मैंने सुना है, जो मैंने सुना है उसके अनुसार मेरे जीवन में फल आए, खुदावन मेरा भी लक्ष्य उस चीज को प्राप्त करने का मन मेरे अंदर आ जाए, उस चीज का लक्ष्य मेरे अंदर वो वाला मन आ जाए, क्योंकि तू सच्चा है, तू वादों का परमेश्वर है, तूने कहा मैं करूंगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू इंसान नहीं है कि जो तूने कहा उसे ना करें, और तू वचन देकर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि पूरा ना करे, तू निश्चय सब अपने मुंह से बोलो परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, सब अपने अपनी चीजों के लिए परमेश्वर से कहोगे तू मेरे लिए करेगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरा कैरियर, मेरे कैरियर के लिए, मेरे बच्चों के कैरियर के लिए, मेरे जीवन की शिफा के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे आने वाले समय के लिए, हर चीज के लिए खुदा का थैंक्स करो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर तू करेगा, मुझे मुझे करेगा,
मेरे लिए तो सब कुछ पूरा करेगा। मांगो 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 मांगो, एक अच्छे मन से, एक अच्छे विश्वास से, एम बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर उसके साथ जीने के लिए। ऐसे में नहीं, जैसे प्रेरित पॉल ने कहा, जो बातें पीछे रह गई मैं उन पर ध्यान नहीं देता, मैं आगे की बातों को और थोड़ा चला जाता हूं। जो बातें पीछे रह गई मैं उनको भूल कर आगे की बातों की और थोड़ा चला जा रहा हूं। मांगो मांगो परमेश्वर, मांगो 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 कि परमेश्वर आज उस चीज को प्राप्त करने का, पाने का वो लक्ष्य मेरे अंदर आ जाए, वो मन मेरे अंदर आ जाए, जैसे दो अंधों के अंदर आ गया। उन्होंने अपनी चाहत, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, चाहे वो कितनी बार गिरे, उनके खून निकला होगा, पर वो पीछे पीछे गए, पीछे पीछे गए। पर विश्वास भी, मैं तेरे पीछे चलना छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने वादा किया है, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरे परमेश्वर, वो लक्ष्य मेरे अंदर आ जाए तेरे साथ जीने का, तेरे आगे प्रार्थना करने का। ऐसा ना हो मेरा मन मुझे दोष देता रहे, पर तू निश्चय करेगा। आज से मैं विश्वास करती हूँ कि विश्वास करता हूं। बोलो बोलो, परमेश्वर तू मेरे लिए करेगा, तू मेरे लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। आमेन आमेन। विश्वास करते हो कि करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। पर बिना लक्ष्य के वो कुछ भी, मैंने कहा ना, जो कुछ लोग ऐसे क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, वो कहते हैं कोई ना प्रभु आप ही करेगा। ऐसे कभी होगा? कभी दुनिया के काम कभी ऐसे होते हैं, आप अपनी सब्जी को ऐसे पढ़ने दो, उसमें सीधा ही रख दो पतीले में और कहूं अपने आप बन जाए, ऐसे कभी बन सकती है? हाँ, आटा को गूंदो नहीं, उसको मेहनत ना करो, उसकी रोटियां ना बनाओ तो आपकी भूख मिटेगी? आपको अपने आप हो जाएगा तो कैसे होगा जी? अरे कुछ करने से होगा, समझो बात, सीखने से होगा, उसके साथ उसके नियमों को, आज्ञाओं को मानने से, पूरा करने से होगा। अपने आप नहीं होगा। क्या होगा? अपने आप नहीं होगा। जैसे इस बहन ने किया, हाँ, कि नहीं मैंने लेट नहीं आना, मैंने खुदा का आदर करना, मैंने निरादर नहीं करना, मैंने ये काम करना है उसके लिए, मैंने ऐसे करना, क्योंकि वो सच्चा है। जब हम एम रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, तो परमेश्वर करता है। सच्ची, इसकी जगह कोई और होता तो कब का वो प्रभु को छोड़ देता, पर इसने छोड़ा नहीं। बोलो, अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो कब का छोड़ देता? क्योंकि एक तो ये घर में अकेले विश्वास कर रही थी, और ऊपर से इसके फैमिली वाले, क्या फायदा, देख तेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब होगी। पर इसका लक्ष्य था नहीं, परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि ये समझ चुकी थी कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर, अब उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। अब मैं उसको छोड़कर कहां पे जाऊंगी? कौन मुझे जीवन देगा, मुक्ति देगा पापों से? कौन मुझे स्वर्ग देगा? इसलिए इसने छोड़ा नहीं। पर बहुत से निर्बुद्धि है जो सिर्फ आई, एक दो बार आई, काम हुआ नहीं हुआ तो बस। इसलिए कीमती चीज ऐसे नहीं मिलती, सोने कीमती है ना, बहुत ढूंगाई में मिलता है, बहुत मेहनत से, पता नहीं कितनी कितनी बड़ी खानों को नीचे तक क्या करना पड़ता है, तब जाकर वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। समझ आ रही? क्योंकि कीमती चीज मेहनत से मिलती है। समझ आ रही? तो हर चीज मेहनत से मिलेगा। इसलिए वो देश जो परमेश्वर ने देने वाला था, उनके सामने जर्दन नदी आ गई, फिर जिरीहो की दीवार आ गई, उसने कहा इसमें 6 दिन चक्कर लाओ, 7वें दिन 7 चक्कर लगा। हो सकता उन्हें कहा सुबह रोज अर्ली मॉर्निंग, पता नहीं 4 बजे 5 बजे उठना है, जैसे आज मान लो सर्दी है तो कईयों का उठने का दिल नहीं करता, हाँ क्या नहीं करता, मगर वो चाहते हैं कि परमेश्वर उसके लिए करे, मगर मेहनत नहीं है, हाँ जी ठंड है क्या करें, हाँ तो 4 बजे 5 बजे ऐसे अर्ली मॉर्निंग बोला 6 दिन चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाओ। क्या लगाओ? तो ये अपने आप ये दीवार गिर जाएगी। अगर वो सोचते हैं ये बहुत काम डिफिकल्ट है और हम नहीं कर सकते, तो मिलता वो देश खरबों का नहीं?
आज परमेश्वर आपको खरबों की आशीष देना चाहता है जैसे उन्हें दिया। बोलो क्या है, आज आपकी हर घटी को वो पूरा करना चाहता है, पर जब आप मेहनत करते क्या करते हो तब वो देता है। आमीन।